गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज मैं आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स डिस्कस करूंगा। ये दोनों ही जजमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जुडिशरी के अंदर रीजन ऑर्डर की क्या वैल्यू होती है। जब तक कोई भी अथॉरिटी या कोई भी एपिलेट अथॉरिटी या कोर्ट अपना ऑर्डर रीजन ऑर्डर नहीं देगी तो असेसी उस ऑर्डर के अंगेंस्ट अपील में भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब तक वो ये रीजंस नहीं पता होंगे कि किस रीजंस की वजह से हमारी बात को रिजेक्ट किया गया है, हमारी बात नहीं मानी गई है, तब तक असेसी जो है, जब तक पेटिशनर जो है आगे फोरम पर अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील भी नहीं बना पाएगा। इसीलिए किसी भी ऑर्डर के लिए मान्य होने के लिए ये जरूरी है कि वो ऑर्डर जो है उस ऑर्डर के अंदर जो डिस्पोज ऑफ किया गया है वो रीजंस के साथ डिस्पोज ऑफ किया जाए। पहला केस है जो मैं डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है विशाल अश्विन पटेल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये मैटर 443 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। केस 28 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो असेसी था वो सेक्शन 148 के नोटिस के अंगेंस्ट रिट के अंदर गया और रिट में जाने के बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से असेसी जो है रिट फाइल करता है। लेकिन हाई कोर्ट ने असेसी की रिट को रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि यह रिट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। असेसी जो है वो हाई कोर्ट के इस रिजेक्शन के ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस के अंदर द रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट हैड बीन चैलेंज्ड ऑन ए नंबर ऑफ ग्राउंड्स। असेसी ने बहुत सारे ग्राउंड्स के लिए रीओपनिंग को चैलेंज किया था। नन ऑफ द ग्राउंड्स रेज्ड इन द रिट पिटीशन हैड बीन डेल्ट और कंसीडर्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन मेरिट्स। हाई कोर्ट ने उनमें से किसी भी ग्राउंड को मेरिट्स के ऊपर एंटरटेन नहीं किया। द हाई कोर्ट डिडंट गिव रीजंस फॉर इट्स डिसइंक्लाइनेशन टू एंटरटेन द रिट पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाई कोर्ट ने जो रिट जो रिजेक्ट की है उसको उसके लिए रीजंस नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो क्रिप्टिक है, नॉन स्पीकिंग है और नॉन रीजन्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को रिवर्ट बैक कर दिया हाई कोर्ट के पास कि आप जो असेसी ने रिट फाइल की है आप उसका एक रीजन्ड ऑर्डर पास करें। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस से ये पता चलता है कि ना केवल असेसिंग ऑफिसर एक रीजन्ड ऑर्डर देने के लिए बाध्य है, हमारी उच्च न्यायालय भी एक रीजन ऑर्डर देने के लिए बाध्य हैं। इस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो एक लैंडमार्क जजमेंट बनते हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट को ये दिशा निर्देश दे सकती है कि आप रीजन ऑर्डर दें तो जो लोअर अथॉरिटीज है उनके लिए एक रीजन ऑर्डर देना कितना जरूरी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास किया जो कि 443 ITR में ही पेज नंबर 6 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस का नाम है प्रिंसिपल CIT वर्सेज मोती संस एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो मैटर था वो ये था कि असेसी की कुछ एडिशंस की गई थी और एडिशन करने के बाद असेसी जो है वो अपील में था और अपील के अंदर जो CIT अपील था उसने असेसी को पार्शियल रिलीफ दे दिया था, इसलिए डिपार्टमेंट और असेसी दोनों ITAT में अपील में थे। ITAT ने असेसी को पूरा रिलीफ दे दिया था और इसीलिए डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट जो है वो गया हुआ था ITAT के ऑर्डर के अंगेंस्ट। लेकिन हाई कोर्ट ने खाली एक लाइन कहकर के डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो प्रेजेंट केस है उस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इंक्लूड नहीं है और ये कहकर के डिपार्टमेंट की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था। तो इस केस में भी
हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की अपील को खाली एक लाइन से ही डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इस केस में भी डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी, और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो एक रीजन ऑर्डर नहीं है, और उस ऑर्डर को भी हाई कोर्ट ने रिवर्ट बैक करके हाई कोर्ट के पास भेज दिया कि आप इसको एक रीजन ऑर्डर पास करें ताकि जो है वो एसएससी के लिए जस्टिस हो पाए। फ्रेंड्स, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं एक रीजन ऑर्डर पे, जो कि इस बात पे एक रोशनी डालते हैं कि किसी भी फोरम के लिए एक ऑर्डर को पास करते वक्त रीजंस का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विशाल अश्विन पटेल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और जो दूसरा केस है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी उसके, इसका नाम है प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस मोतीसंस एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।